तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना का मतबूआ रिसाला ज़ियाए दुरूद और सलाम। ज़ियाए दुरूद और सलाम के माना है दुरूद और सलाम की रोशनी, और दुरूद और सलाम में लफ्ज़ ज़िया लिखने पर मेरी नीयत ये थी कि खलीफा आला हज़रत मेरे आका नेमत सैयदी मुर्शिदी ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का इसमें नाम मुबारक का जुज़ शामिल हो जाए और उसकी बरकतें भी हमको नसीब हों। तो यूँ ज़ियाए दुरूद और सलाम बस सूरत बोलता रिसाला आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, तो इसको हुसूल सवाब के लिए हमातन गोश होकर समाअत फरमाइए, और जब जब सल्लू अलल हबीब कहा जाए तो सवाब की नीयत से दुरूद शरीफ पढ़ने में सुस्ती ना फरमाइए। फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दुरूद ना पढ़ने के नुकसानात पर फरामीन मुस्तफ़ा, जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह ताला के जिक्र और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़े बगैर उठ गए तो वो बदबूदार मुर्दार से उठे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला। जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के इरशादात, फरमान सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना ठंडे पानी से भी ज्यादा खताओं को मिटाता है, और सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ना गर्दने यानी गुलामों को आज़ाद करने से अफजल है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बोलता रिसाला, मुसलमानों में एक तादाद ऐसी भी है कि जो उर्दू पढ़ना नहीं जानती लेकिन सुनकर समझ लेती है, फिर एक तादाद ऐसी है कि उर्दू पढ़ना लिखना तो जानती है लेकिन इनके तलफ्फुज़ बकसरत गलत होते हैं, फिर एक तादाद ऐसी होती है कि जो पढ़ना लिखना जानने के बावजूद पढ़ने लिखने में सुस्ती महसूस करती है। बहुत सारे फवाइद के पेश नज़र सवाब की हिर्स में रिसाला पढ़कर सुनाने की कोशिश की गई है, जिसका नाम रखा है बोलता रिसाला, ताकि मुसलमानों का हर तबका इसको सुने और गैर मुस्लिम भी इसको सुने, ज़ाहिर नसीब उन पर भी हमारे सच्चे इस्लाम की हक्कानियत वाज़ेह हो। हाँ, ये भी अर्ज करता चलूं कि नाबीना इस्लामी भाई भी इस बोलते रिसाले से भरपूर फ़ुयूज़ो बरकात हासिल कर सकते हैं। अब इन्हें भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है कि इनकी खिदमत में बोलता रिसाला अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने पेश कर दिया है। तो इस तरह की नीयतों के साथ बोलता रिसाला आपकी खिदमत में पेश किया गया है, आप इसको सुनिए। अंग्रेजी में इसको ऑडियो बुक कहते हैं। सबसे पहले बोलते रिसाले का आगाज ज़ियाए दुरूद व सलाम से किया, एक हर्फ की 10 नेकियां। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह और रब्बुल अनाम अज़्ज़ा वजल का मुबारक कलाम है, इसका पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब सवाब का काम है। कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियों का सवाब मिलता है, चुनाचे खातमुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान दिल नशीन है, जो शख्स किताबुल्लाह का एक हर्फ पढ़ेगा उसको एक नेकी मिलेगी जो 10 के बराबर होगी। मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है। तिलावत की तौफीक दे दे इलाही, गुनाहों की हो दूर दिल से सियाही। इमामा बांधना सुन्नत है के 17 हरूफ की नस्बत से इमामे के 17 मदनी फूल, इमामे के साथ 2 रकअत नमाज बगैर इमामे की 70 रकअतों से अफजल हैं। टोपी पर इमामा हमारे और मुशरिकीन के दरमियान फ़र्क है, हर पेज पर के मुसलमान अपने सर पर देगा, इस पर रोज़े क़ियामत एक नूर अता किया जाएगा। बाहर शरीयत हिस्सा
16 सफ़हा 303 पर है। इमामा खड़े होकर बांधे और पाजामा बैठ कर पहने। जिसने इसका उल्टा किया यानी इमामा बैठ कर बांधा और पाजामा खड़े होकर पहना, वो ऐसे मरज में मुबतला होगा जिसकी दवा नहीं। खातमुल मुरसलीन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक इमामे का शिमला उमूमन पुश्त यानी पीठ मुबारक के पीछे होता था और कभी कभी सीधी जानिब, कभी दोनों कंधों के दरमियान दो शिमले होते। उल्टी जानिब शिमला लटकाना खिलाफ सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सब्ज रंग का इमामा शरीफ भी सब्ज सब्ज गुंबद के मकीन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सरे अनवर पर सजाया है। दावत इस्लामी ने सब्ज सब्ज इमामे को अपना शिआर बनाया है। सब्ज सब्ज इमामे की भी क्या बात है, मेरे मक्की मदनी आका मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पर बना हुआ जगमग जगमग करता गुम्बद शरीफ भी सब्ज सब्ज है। आशिकाने रसूल को चाहिए कि सब्ज सब्ज रंग के इमामे से हर वक्त अपने सर को सर सब्ज रखें और सब्ज रंग भी गहरा होने के बजाय ऐसा प्यारा प्यारा और निखरा निखरा सब्ज हो कि दूर दूर से बल्कि रात के अंधेरे में भी सब्ज सब्ज गुम्बद के सब्ज सब्ज जलमों के तुफेल जगमगाता नूर बरसाता नजर आए। नहीं गए चांद सूरज की मदीने को कोई हाजत, वहाँ दिन रात उनका सब्ज गुंबद जगमगाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे तिलावत का तरीका मुलाहजा फरमाइए। खड़े खड़े अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाइए, तीन मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहकर अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाइए, सलाम फेरने की हाजत नहीं, सजदे तिलावत आपका मुकम्मल हो चुका। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इमामा बांधने की नीयत नहीं करता हूँ कि टोपी पर इमामा बांधना चाहिए कि हमारे में और मुशरिकों में ये फ़र्क है, तरीक़ेकार है। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर इत्तेबाए सुन्नत में टोपी पर तिबला रूह खड़े खड़े एक एक पेच करके इमामा इस तरह बांधूँगा कि उल्टे हाथ से पेच सीधे हाथ की तरफ जाए, और जब नमाज पढ़ने के लिए इमामा बांध रहा हो तो ये भी साथ में नियत करे कि नमाज के लिए जीनत हासिल करता हूँ, गुंबद नुमा बांधूंगा। एक गुंबद नुमा सुन्नत है, इसको गुंबद नुमा बनाने के लिए ये तरकीब को कोशिश करता हूँ मैं, इस तरह इसको फैला कर। मसलक का तू इमाम है इलियास कादरी, मसलक का तू इमाम है इलियास तदबीर तेरी ताम है इलियास कादरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास कादरी, पर इमाम माथे पे सजदों का नूर है, सर पर इमाम माथे पे सजदों का नूर है, जो भी तेरा गुलाम है इलियास कादरी, मसलक का तू इमाम है इलियास कादरी, मसलक का तू इमाम है इलियास कादरी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।